हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में चर्चा करेंगे। पर उसको पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को लास्ट तक देखें, उसमें आपको तीनों एक्सट्रैक्शन मिल जाएगा। ये तीनों बहुत VVI क्वेश्चन है, खास करके पॉलिटेक्निक और ट्वेल्थ केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? कहता द एलिमेंट विच पोजेज ए सर्टेन प्रॉपर्टीज, एक ऐसा एलिमेंट जो एक निश्चित प्रॉपर्टीज रखता है, सच एज जैसे स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ब्राइटनेस, टफनेस ईटीसी आर कॉल्ड मेटल। यानी एक ऐसा एलिमेंट जो एक निश्चित प्रॉपर्टी जैसे स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ब्राइटनेस, हार्डनेस, टफनेस जैसा प्रॉपर्टीज रखता है, उसको हम लोग मेटल कहते हैं। आगे है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होता है? कहता द एलिमेंट व्हिच डज नॉट पोजेज एबव मेंशन्ड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड नॉन मेटल। यानी वे एक ऐसा एलिमेंट जो ऊपर दिए गए प्रॉपर्टीज नहीं रखता है, जिनमें ऊपर जो प्रॉपर्टीज का वर्णन किया गया है, मेंशन किया गया है, वो प्रॉपर्टीज जिस एलिमेंट में नहीं पाए जाते हैं उसको नॉन मेटल कहते हैं। मतलब जो हार्ड, जिसमें हार्डनेस नहीं होता है, स्ट्रेंथनेस नहीं होता है, इलास्टिसिटी नहीं होता है, डक्टिलिटी नहीं होता है, मैलेबिलिटी नहीं होता है, ब्राइटनेस नहीं होता है, हार्डनेस नहीं होता है, टफनेस नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे? नॉन मेटल कहेंगे। मेटल दो प्रकार का होता है, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल्स। देखिए, जिस मेटल में आयरन की मात्रा, आयरन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है, जो आयरन या जो मेटल्स, ठीक है, आयरन कंटेंट करता है उसको फेरस मेटल, और जो मेटल आयरन कंटेंट नहीं करता है उसको नॉन फेरस मेटल कहते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल, देखिए मेटल जो होता है ना, वो नेचर में दो स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, वो दो स्टेट में पाया जाता है, नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट, और दूसरा जो होता है वो होता है कंबाइंड स्टेट। देखिए, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर व्हिच आर केमिकली इनएक्टिव, यानी जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो मेटल है ना, ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया और जल्दी नहीं करते हैं। अकर्स इन फ्री स्टेट, ऐसे एलिमेंट फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड अर्लियर, क्योंकि वो बहुत पहले डिस्कवर्ड किए गए थे। कहता द मेटल्स व्हिच आर केमिकली एक्टिव आर प्रजेंट इन कंबाइंड स्टेट, कहता है जो मेटल, ठीक है, एक्टिव होते हैं, मतलब जो रिएक्शन जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट आर एल्युमिनियम एंड सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इज फेरस। अर्थ के क्रस्ट में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है मेटल, वो आपका एल्युमिनियम है, और उसके बाद जो सेकेंड एबंडेंट मेटल इन सेकेंड सब दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व आपका आयरन है। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स कथा द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड कंटेन मेटल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मिनरल्स। कहते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला पदार्थ जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है, मतलब अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली पाए जाने वाले पदार्थ, ठीक है, जिसमें मेटल की प्रॉपर्टीज पाया जाता है, धात्विक गुण पाया जाता है, उसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। ओर्स क्या होता है? कहता द मिनरल फ्रॉम व्हिच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड, मतलब जिस मेटल से, ठीक है, कहता द मिनरल्स फ्रॉम व्हिच, यानी जिस खनिज से, ठीक है, हम लोग धातु प्राप्त करते हैं, मेटल प्राप्त करते हैं इजिली एंड एट चीप कॉस्ट एंड मिनिमम टाइम। देखिए, कम समय में, कम खर्च में और आसानी से जिस खनिज से हम, जिस मिनरल से हम मेटल प्राप्त करते हैं, उन मिनरल्स को ओर्स कहते हैं। मतलब ओर्स जो हैं, सभी ओर्स मिनरल्स होंगे, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होंगे,
क्योंकि सभी मिनरल्स से ओट्स नहीं प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सभी ओट्स मिनरल्स से प्राप्त किया जाता है। गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है? कहता द इम्प्यूरिटीज प्रजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। कहता है ओट्स में पाए जाने वाले अशुद्धि को, इम्प्यूरिटीज को हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। फ्लक्स क्या होता है? कहता है द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड इन ओर टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज, यानी ओट्स से इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए जो पदार्थ मिलाते हैं उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। सलैक क्या होता है? कहता है द मिक्सचर ऑफ फ्लक्स एंड गैंग, फ्लक्स और गैंग का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग सलैक कहते हैं। मेटालर्जी क्या होता है? कहता है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स एंड रिफाइनिंग। कहता है ओर्स से धातु का प्राप्त करना, मेटल का प्राप्ति करना और उसका जो रिफाइनिंग है वो मेटालर्जी कहलाता है। मेटालर्जी में डिफरेंट प्रोसेस है। पहला है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मेथड। देखिए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मेथड में क्या होता है, ओट्स के बड़े बड़े पार्ट टुकड़े को, ठीक है, क्रेशर मिल में डाल के सबसे पहले से छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यानी द प्रोसेस इन विच बिग पार्टिकल्स ऑफ ओट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ओट्स के बड़े पार्टिकल को पहले छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट कर लिया जाता है, फिर उसको ग्राइंडिंग मिल में डाल के पाउडर के फॉर्म में बदल लिया जाता है। एंड आफ्टर देन दे आर कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म, और उसके बाद वो जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। इसको हम लोग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मेथड कहते हैं। अब देखिए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मेथड में और उसके बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किए, फिर उसको ग्राइंडिंग मिल में डाल के पाउडर के फॉर्म में बदल लिए। इसके बाद हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, ओट्स का कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओट्स क्या होता है? कहता है द प्रोसेस इन विच इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम ओट्स, यानी जिस प्रोसेस में ओट्स से इम्प्यूरिटीज को दूर किया जाता है, यानी ओट्स से इम्प्यूरिटीज को दूर करने का जो प्रोसेस होता है उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओट्स कहते हैं। ओट्स कॉन्सेंट्रेशन का निम्नलिखित मेथड है। पहला है मेटेलिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो मेटेलिक सेपरेशन मेथड में हम लोग क्या काम करते हैं, दो पुली लेते हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप, दो पुली लिए। एक पुली जो है उस मेटेलिक पुली लेते हैं जिसमें वो मेटल का होता है, और दूसरा पुली जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, मतलब उसमें किसी मैग्नेटिक मटेरियल यानी मैग्नेट का गुण पाया जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल का होता है। दोनों पुली को एक बेल्ट से जोड़ देते हैं, एक बेल्ट से हमने जोड़ दिया है। मेटेलिक पुली पे क्या काम करते हैं, ओट्स पाउडर को रखते हैं और उसको रोटेट करते हैं। जब ये ओट्स पाउडर जो है मैग्नेटिक पुली के पास जाता है तो देखिए इसमें ओट्स जो होता है वो मैग्नेटिक होने के कारण, ठीक है, पुली के, ठीक है, करीब में आता है, ठीक है, मैग्नेटिक पुली के करीब गिरता है, ठीक है, और जो आपका ना इम्प्यूरिटीज है वो पहले ही गिर जाता है। देखिए यहाँ पे आप बता समझा रहे हैं, दो पुली लिए, ये है मैग्नेटिक पुली, ये है मान लीजिए मैग्नेटिक पुली, ये है मेटेलिक पुली, एक बेल्ट से हम दोनों को जोड़ दिए, यहाँ पे ओट्स के पाउडर फॉर्म को रखे और फिर इस बेल्ट को हम लोग इस एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मान लीजिए रोटेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें दो तरी इस देखिए किस टाइप का ओट्स का कॉन्सेंट्रेशन इस मेथड से करते हैं। तो यदि ओट्स में जो इम्प्यूरिटीज है वो इम्प्यूरिटीज नॉन मैग्नेटिक हो और ओट्स मैग्नेटिक हो, या ओट्स नॉन मैग्नेटिक हो या इम्प्यूरिटीज मैग्नेटिक हो, यानी ओट्स या इम्प्यूरिटीज की दोनों में से कोई एक जो है वो मैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरा नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, तभी हम लोग मेटेलिक सेपरेशन मेथड से उसका कॉन्सेंट्रेशन कर पाएंगे। अब क्या है, ओट्स मान लीजिए यदि नॉन मैग्नेटिक है और इम्प्यूरिटीज नॉन मैग्नेटिक है, तो इम्प्यूरिटीज नॉन मैग्नेटिक यदि यहाँ पे क्या आके गिर जाएगा इम्प्यूरिटीज, लेकिन ओट्स यदि मैग्नेटिक है तो मैग्नेट क्या पुली तक तो चिपका रहेगा, और यहाँ पे जब पुली ख़त्म होगा तब बेल्ट पर से नीचे यहाँ पे ओट्स गिरेगा, तो मैग्नेटिक ओट्स यहाँ गिरा, इम्प्यूरिटीज आपका यहाँ गिर गया, जिसको अलग कर लीजिए। इसी को हम भाषा में लिखा दिए, पढ़ के समझा देते हैं। कहता है इन दिस मेथड टू पुली आर यूज, इस मेथड में दो पुली का यूज किया जाता है। वन पुली इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड अनदर पुली इज मेटेलिक
मटेरियल, एक पुली मैग्नेटिक मटेरियल का बना है, दूसरा आपका मेटेलिक मटेरियल का बना है। बोथ पुली आज कनेक्टेड वाया बेल्ट, दोनों पुली बेल्ट के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। फॉर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम दिस मेथड वन ऑफ द ओर्स और इम्प्योरिटी शुड बी मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, कहता है इस मेथड से कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए दोनों में से कोई एक ओर्स या इम्प्योरिटीज एक कोई एक जो है मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ओर्स आर स्प्रिंकल्ड ऑन द बेल्ट ऑफ इम्प्योरिटी बेल्ट ऑन द बेल्ट। ठीक है, ओर्स के पाउडर फॉर्म को बेल्ट के ऊपर स्प्रिंकल छिड़का जाता है। इफ इम्प्योरिटीज आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यदि इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, देन दे फॉल अवे फ्रॉम पुली, तो वो पुली से थोड़ा दूर गिरते हैं, और मैग्नेटिक मटेरियल यदि आपका ओर्स है तो ओर्स जो है आपका पुली के करीब गिरता है, जिसको आसानी से अलग कर लेते हैं। सेकेंड मेथड है आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। देखिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या होता है, इस मेथड में हम लोग क्या काम करते हैं थोड़ा समझिए। स्लोप के आकार का एक प्लेटफॉर्म ले लिए, ठीक है, यहाँ पे ओर्स के पाउडर फॉर्म को हम लोग रखेंगे और यहाँ से हम लोग, ठीक है, फिर तो हम लोग क्या काम करेंगे, स्लोप के आकार का एक प्लेटफॉर्म लेना है। ठीक है, इस पर क्या काम करना है, ओर्स के पाउडर फॉर्म को रख देना है और यहाँ से जल की तेज धारा प्रवाहित करेंगे। तो देखिए जो इम्प्योरिटीज का पार्टिकल होगा वो यदि हल्का होगा तो बह के दूर चला जाएगा, और ओर्स पार्टिकल यदि भारी होगा तो क्या होगा, निकट में रह जाएगा। यही इस फिगर के द्वारा दिखाया गया है। ओर्स पार्टिकल ओर्स के पाउडर फॉर्म को रख के जल की तेज धारा प्रवाहित किया गया है, इम्प्योरिटीज हल्का होने के कारण बह के दूर चला गया है, और ओर्स जो है हैवी पार्टिकल होने के कारण निकट में रह गया है। वही कहता है इन दिस मेथड वी टेक सच ओर्स इन व्हिच इम्प्योरिटीज आर लाइटर एंड ओर्स आर हैवी। मतलब इस मेथड में इस तरह कर लेते हैं कि ओर्स जिसमें ओर्स पार्टिकल जो है हैवी हो और इम्प्योरिटीज पार्टिकल आपका लाइटर हो हल्का हो। कहता है इन दिस मेथड वी टैंक इन क्लाइंट प्लेटफॉर्म, हम लोग इसमें क्या काम करते हैं कि इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म लेते हैं, एंड वी सप्लाई ए हाई करंट ऑफ ए वाटर, और हम लोग क्या काम करते हैं जल की बहुत तेज़ धारा प्रवाहित करते हैं ओर्स के पाउडर फॉर्म के ऊपर। ओर्स का पाउडर फॉर्म जो है अब उसमें इम्प्योरिटीज हल्का होने के कारण बह के दूर चला जाएगा, और ओर्स पार्टिकल हैवी होने के कारण निकट में रह जाएगा, जिसको हम लोग आसानी से क्या करेंगे अलग कर लेंगे। आप लोग पढ़ सकते हैं इसलिए। अब देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इसमें क्या काम कर रहे हैं, इसमें देखिए एक टैंक ले लिए हैं वाटर का, इसमें ओर्स के पाउडर फॉर्म को रख दिए हैं, उसके बाद देखिए चीर या पाइन का तेल मिला दिए हैं, उसके बाद हवा की तेज धारा प्रवाहित करते हैं हाई करंट ऑफ एयर। हवा की तेज धारा प्रवाहित करते हैं तो ऊपर में आपका फ्रोथ यानी झाग बनता है, जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं, और इम्प्योरिटीज नीचे तली में बैठ जाता है। ये है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्या किए, एक टैंक लिए, आधा पानी भर दिए, ओर्स या और उसके पाउडर फॉर्म को रख के चीर या पानी का तेल मिला दिए, हवा की तेज धारा प्रवाहित किए, झाग जो है वो ऊपर में बनता है, उसको आसानी से अलग कर लेते हैं, और पार्टिकल जो है वो झाग के साथ ऊपर चला आता है और इम्प्योरिटीज आपका नीचे दब जाता है। अब एक कन्वर्जन, अब देखिए उससे इम्प्योरिटीज ख़त्म हो गया है, अब इम्प्योरिटीज हटने के बाद उसको हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए मेनली दो मेथड है, कैल्सिनेशन और रस्टिंग। देखिए कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन जो है ना हवा के अनुपस्थिति में या एयर के लिमिटेड सप्लाई में, ठीक है, उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ज़्यादातर कार्बोनेट ओर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के लिए एप्लीकेबल होता है। वोलाटाइल मेटल जो होता है इसमें जल जाता है और इससे मेटल से दूर होता है, ठीक है, और मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट प्राप्त होता है, एल्युमिनियम को गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। रोस्टिंग देखिए ये वायु के उपस्थिति में होता है और एयर के प्रजेंस में, ठीक है, एक्सेस में, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ज़्यादातर सल्फाइड ओर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल देख रहे हैं ZnSO2 के साथ अभिक्रिया करवा के जिंक ऑक्साइड
बनाए हैं और उनकी उपस्थिति में गर्म किया तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद ऑक्साइड से हम मेटल प्राप्त करेंगे, तो मेटल प्राप्त करने के लिए हम लोग रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, इनटू मेटल। कहता है द मेटल प्रजेंट इन मेटल ऑक्साइड में जो मेटल उपस्थित होता है उसको हम, ठीक है, रिड्यूस करके, ठीक है, रिड्यूस करके, अब रिड्यूस के रूप में रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसमें एलुमिनियम, हाइड्रोजन, CO, कार्बन, इस सब का यूज करके हम लोग, ठीक है, हाँ, ऑक्साइड को, ऑक्साइड से मेटल की प्राप्ति करते हैं। पहला रिडक्शन बाय कार्बन, जिसको हम लोग स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग भी कहते हैं। देखिए, जिन मेटल्स का मेल्टिंग टेम्परेचर थोड़ा लो होता है ना, उसको तो कार्बन या कोक के साथ गर्म करके हम लोग क्या काम करते हैं, जो आसानी से उसको मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे Fe2O3 है, उसको CO के साथ हीट करके हम लोग फेरस प्राप्त कर लेते हैं। रिडक्शन बाय एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के द्वारा रिडक्शन कैसे करते हैं। कहता है इस मेथड में, कहता है दिस मेथड ऑक्साइड होल मेल्टिंग टेम्परेचर इज वेरिया। देखिए, जिस मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, वो कार्बन के साथ आसानी से रिड्यूस नहीं होता है, तो उसको रिडक्शन करने के लिए एल्युमिनियम का यूज होता है। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड को देख रहे हैं, एल्युमिनियम के साथ रिड्यूस करवा के हम लोग क्रोमियम प्राप्त करते हैं। रिडक्शन बाय H2, ठीक है। कहता है हाईली इनफ्लेमेबल जो नेचर में होते हैं उसको H2 के साथ, ठीक है, रिड्यूस करके हम लोग मेटल प्राप्त करते हैं। जैसे MnO3 को H2 के साथ अभिक्रिया करवा के, ठीक है, हम प्राप्त करते हैं। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, क्योंकि अभी जो मेटल प्राप्त होता है ना वो उतना ज़्यादा प्योर नहीं होता है, तो उसके प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग टैंक ले रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, एक पात्र ले रहे हैं, और इसमें क्या काम कर रहे हैं, दो रॉड ले रहे हैं, एक रॉड एनोड है, एक रॉड कैथोड है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। एनोड जो है ना वो अशुद्ध धातु का मोटा रॉड होता है, और कैथोड जो होता है वो शुद्ध धातु का पतला रॉड होता है। और जिसका हमको प्यूरिफिकेशन करना है उसी का साल्ट वाला सॉल्यूशन लेते हैं, और फिर उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद प्योर धातु जो है कैथोड पे जमा होता है, और इम्प्योरिटीज एनोड पे जमा होता है। इस तरह से 99.9% प्योर धातु हमें मिल जाता है। कर लीजिएगा इसको।